और वो हिसार से चुनाव लड़ने का उन्होंने पार्टी से प्रार्थना की थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सोच है कि परिवार और परिवारवाद, परिवार तो एक अलग चीज है, परिवारवाद का हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो मुझे, क्योंकि मैं राज्यसभा में, मेरा अभी भी 3.5 साल का समय बाकी था और मैं केंद्र में मंत्री भी हूं, तो मैं ये समझता था, मैंने अब से नहीं, मैंने कम से कम 2-2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, दोनों को पत्र द्वारा सूचित किया था कि मेरा 47 साल का चुनावी राजनीति का जीवन है जो शायद देश में बहुत कम लोगों का हो, और जैसे मेरी टेन्योर भी राज्यसभा की 2022 तक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पार्टी में जो परिवारवाद की बात है उसके मद्देनजर रखते हुए मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति से रिटायर होना पसंद करूंगा। और इस संदर्भ में मैंने आज भी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को एक पत्र द्वारा लिखा है कि मैं, आप मुझे जब भी आप उचित समझे, मैं अपना राज्यसभा और मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने की मैंने उनको कहा है। लेकिन परिवारवाद को मैं अगर मैं खुद उसकी डेफिनेशन मानूं, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि मेरे परिवार में 100 साल से राजनीति है। इस देश में 1922 में जब सबसे पहले वोट पड़ा था, जो कि लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, उस समय मेरे ग्रैंडफादर दीनबंधु छोटूराम जी ने चुनाव लड़ा था, और उस समय से लेकर आज तक हमने राजनीति में हमेशा हम सक्रिय रहे हैं। चाहे मैं अपने रूप में रहा हूं, मेरा तो मैंने जैसे बताया 47 इयर्स का जीवन है, मेरे पिताजी भी हरियाणा में मंत्री भी रहे, एमएलए रहे, और मेरे मामा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे, मेरी मामा की बहन एमएलए रही। मैं मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूं कि 100 साल के राजनीतिक जीवन में इस बात का मुझे बहुत संतोष है कि हमने छोटू राम जी द्वारा जो किसान वर्ग के लिए उन्होंने एक अस्वर्णीय संघर्ष किया और उनकी लड़ाई अपने जीवन में लड़ी, और वो भी आजादी से पहले, और जो कमेरा वर्ग था, गरीब वर्ग था, शोषित वर्ग था, उसके लिए जो उन्होंने काम किए, आज भी उनको देश का किसान, देश का कमेरा वर्ग सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उतना ही आदर से उनको देखता है। और